आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने 5 किलो आलू लिए हैं। इस तरह से लंबे लंबे बड़े बड़े आलू लेना है। एक एक करके मैं इन आलुओं को छील लूँगी। इस तरह से आलुओं के सारे छिलके मैं निकाल लूँगी। वैसे तो हम 10 से 15 किलो आलुओं के चिप्स बनाकर गर्मियों में स्टोर कर रख लेते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको 5 किलो आलुओं के चिप्स बनाकर दिखाऊंगी। उसी हिसाब से मैं नमक और बाकी के जो सामान हैं उनका मेजरमेंट बताऊंगी। आलुओं को छील छील कर एक पानी के बर्तन में डालते जाना है। आलुओं को पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे। अगर हम इन्हें पानी में नहीं डालेंगे तो सारे आलू काले हो जाएंगे। आलू छीलने में हम घर के और भी मेम्बरों की हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारे घर में 2-3 मेंबर और हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं चिप्स बनाने में, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। पहले मैं सारे आलुओं को छील लूँगी, इसके बाद मैं इनके चिप्स बनाऊँगी। चिप्स बनाने के लिए नए आलू ही लेना है। यहाँ पर मैंने मालवी आलू लिए हैं। अगर आपको मालवी आलू नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो जो भी नए आलू आ रहे हैं हम वो ले सकते हैं, पर दुकानदार से इतना ज़रूर पूछ लें कि हमें चिप्स के आलू ही चाहिए, तो वो आपको चिप्स के आलू देगा। इसी तरह हम अपने सारे आलुओं को छील लेती हूँ। इसके बाद आपको बताऊँगी कि चिप्स कैसे बनाते हैं। सारे आलू मैंने छील लिए हैं। चिप्स बनाने वाली मैंने मशीन ली है। ये बिमल की मशीन है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। किसी भी कंपनी की हम मशीन ले सकते हैं। इस तरह से साइड से हम इसको घुमाकर जितने मोटे हमें चिप्स बनाना है, जितने पतले चिप्स बनाना है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको इतना ही मोटा रखूँगी। इतना चौड़ा बर्तन हम लेंगे कि इसके ऊपर मशीन आराम से रखा जाए और सारे चिप्स नीचे गिरकर इस बर्तन में जाएं। इस बर्तन में मैंने आधे से ज़्यादा पानी ले लिया है। इसके ऊपर मैं ये चिप्स बनाने वाली मशीन रखूँगी। एक कप रखा है मैंने, उसमें भी मैंने पानी भर लिया है आधे से ज़्यादा। इन चिप्सों को निकाल निकाल कर मैं इस टप में डालूंगी, जिससे चिप्स काले नहीं होंगे। अब एक आलू मैं ले लेती हूँ। आलुओं को लंबा नहीं रखकर इस तरह से हमें चपटा रखना है, इससे चिप्स अच्छे मीडियम साइज के बनते हैं। हल्का प्रेशर देते हुए सारे चिप्सों को मैं निकाल लूंगी। जब लास्ट में हल्का सा आलू बच जाए, थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी उंगली कट सकती है। इस तरह से हल्का सा लास्ट का पोर्शन बचा है, इसको हम साइड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे चिप्स बने हैं, ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा ये पतले हैं। सूखने के बाद थोड़े और पतले हो जाते हैं। इसी तरह से मैं और चिप्स बना लूँगी। अब इन चिप्सों को एक बार अच्छे से मसल मसल कर मैं इसी पानी में धो लूँगी, और जो टप में मैंने पानी भर कर रखा है इसमें मैं इन चिप्सों को डाल देती हूँ। अगर हमारे पास इतना चौड़ा बर्तन नहीं है कि इसके ऊपर मशीन आसानी से रखा जाए, तो प्लेट या थाली में भी हम चिप्स निकाल सकते हैं और इसको तुरंत ही पानी में डालते जाएं, जिससे चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। रात में सारे आलुओं के चिप्स बना लें, और सुबह सुबह जब हल्की धूप रहती है या धूप निकलने से पहले ही इन चिप्सों को डालना शुरू कर दें, जिससे हमें ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगेगी और सारे चिप्स भी डल जाएंगे। अगर सुबह सुबह आलुओं के चिप्स बना रहे हैं तो 5-6 घंटे इनको फिटकरी के पानी में रखना बहुत ज़रूरी है, पर हम तो अक्सर रात में ही चिप्स बना लेते हैं, जिससे ये 7-8 घंटे आराम से फिटकरी के पानी में रखे रहते हैं और सुबह सुबह जे हल्की धूप में डल भी जाते हैं। इसी तरह मैं सारे आलुओं के चिप्स बना लेती हूँ। सारे आलुओं को मैंने चिप्स बना लिए हैं। अब जो लास्ट वाले जो चिप्स हैं, इनको भी मसल मसल कर मैं इनका सारा पानी निथार दूँगी और इस टप में डालते जाऊँगी। अगर थाली या प्लेट में चिप्स निकाल रहे हैं तो 2 बार इन चिप्सों को जरूर धो लें, जिससे इनका सारा स्टार्च निकल जाएगा और चिप्स अच्छे सफ़ेद बनेंगे। पानी हमें इतना लेना है कि चिप्स इसमें पूरी तरह डूबे रहे। अब ये फिटकरी है, इसको इंग्लिश में एलम भी बोला जाता है। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसमें से इतने बड़े बड़े 2 पीस लेकर मैं इस टप में डाल देती हूँ। इसको एक बार अच्छे से घुमाकर मिक्स कर दूंगी। फिटकरी के पानी में डालने से चिप्स अच्छे सफ़ेद बनते हैं। कभी कभी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे चिप्स सूखने के बाद काले हो जाते हैं या फिर तलने के बाद लाल हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि वे फिटकरी नहीं डालते। तो इनको 6-7 घंटे कम से कम फिटकरी के पानी में जरूर रखना है। इनको मैंने रात में बनाया है, इसलिए ओवरनाइट इनको मैं फिटकरी के पानी में डले रहने दूंगी। 7-8 घंटे हो जाएंगे इनको फिटकरी के पानी में डले हुए। इसके बाद आगे के प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी।
सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पानी में मैं पूरी तरह उबाला रख दूंगी। अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, मीडियम साइज का बर्तन है या फिर छोटा बर्तन है, तो 2-3 बार करके आलूओं को उबालेंगे। आधा पतीला पानी रखा है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, 2 छोटे चम्मच नमक डालूंगी क्योंकि पानी ज़्यादा है। छोटे पतीले में अगर हम आलूओं को उबालेंगे तो उसमें सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही नमक डालेंगे। तो इस नमक को मैं मिक्स कर दूंगी और पानी में उबाल आने देती हूँ। इस पतीले को मैं कवर कर दूंगी, इससे पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी लगभग उबलने लगा है। चिप्स जो रात भर मैंने पानी में रखे हैं, फिट करके पानी में डालने से इस तरह से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अब इनका सारा पानी निथार निथार कर मैं एक दूसरी थाली में रखते जाऊंगी। पहले बीच में मैं आधे चिप्स डालूंगी, इसके बाद दूसरी बार में जो भी बचे हुए चिप्स हैं वे डालकर उबाल लूंगी। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। जो चिप्स मैंने थाली में निकाल कर रखे थे वे मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए आधे चिप्स मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा इन्हें हमें कुक नहीं करना है। 80% तक इनको बॉईल करना है जिससे ये आराम से टूट जाए। अब इनको मैं पकने देती हूँ। 1-2 मिनट के बाद इनको मैं चला दूंगी ताकि ये ऊपर से नीचे तक अच्छे से कुक हो जाए। अभी मैं इनको थोड़ी देर और उबलने देती हूँ। चिप्सों को गर्म पानी में उबालते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिप्स थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। अगर हम छोटे पतीले में उबालेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। अब इन चिप्सों को चेक कर लूँगी, एक चिप्स लेके इस तरह से हल्का सा दबा के देखेंगे। इतना ही हमें इसको कुक करना है और मोड़ने पे दे आसानी से मुड़ भी रहा है। देखिए इस तरह से इसमें दरार पड़ जाती है मोड़ने पर ये अलग नहीं होता है। बस इतना ही इसको हमें कुक करना है। बीच में से इसमें दरार पड़ गई है पर ये जुड़ा हुआ है। चिप्स उबल चुके हैं, ये पहचानने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर चिप्स अच्छी तरह से नहीं पकेंगे तो सूखने के बाद ये काले हो जाते हैं और फ्राई करने पर लाल हो जाएंगे। अब इन चिप्सों को मैं निकाल लेती हूँ। इसी पानी में मैं दूसरे बैच उबालूंगी। उनका सारा पानी निथार निथार कर मैं एक थाली में रखे जाऊंगी। सारे चिप्स निकाल लेती हूँ। उसी पानी में मैं बाकी के बचे हुए चिप्स डाल देती हूँ। सारे चिप्स मैंने डाल दिए हैं। अब इनको भी मैं 80% उबालूंगी। 2 मिनट के लिए इन चिप्सों को मैं कवर कर दूंगी। 2 मिनट के बाद इसको ढक्कन में हटा दूंगी और इनको एक बार पलट लूंगी, ऊपर वाले नीचे हो जाए, नीचे वाले ऊपर चले जाए। अब इन चिप्सों को मैं और पकाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं छत पे हम आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन की सीट ली है। साड़ी या फिर जो भी चादर बेड शीट है इस पर भी हम चिप्स डाल सकते हैं। इनके चारों कोनों पर ईंटें लगा दी हैं या फिर किसी भी भारी चीज़ से इसके चारों कोनों को दबा दें ताकि ये उड़े नहीं और चिप्स इधर उधर नहीं होंगे। अब इसके ऊपर मैं चिप्स डालूंगी, थोड़े थोड़े चिप्स डाल लें ताकि ये ठंडे हो जाए। चिप्सों को सुखाने में हम घर के और भी मेम्बरों की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने बेटों की हेल्प ले रही हूँ। इस तरह से पास पास करके इन चिप्सों को डालते जाएं। मैं चिप्सों को डालने में ही थोड़ी सी परेशानी होती है, पर अगर बच्चे साथ हों तो उनको चिप्सों को फैलाने में बड़ा मज़ा आता है। इन चिप्सों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी चिप्सों को फैलाने में। इसी तरह मैं सारे चिप्सों को अब फैला देती हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं इन चिप्सों को उबलते हुए। इस तरह से एक चिप्स लेके इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए आराम से टूट रहा है। दूसरा तरीका है कि इनको हम फोल्ड करेंगे तो बीच में से दरार बन जाती है पर ये चिपका रहता है। मतलब ये 80% कुक हो चुके हैं। अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि सारे चिप्स उबल चुके हैं। सारे चिप्सों को हमने धूप में फैला दिया है। अब इनको मैं 2 दिन तक कड़ी धूप में सूखने दूंगी। चिप्सों को हमने छत पे से नीचे घर में लिया है। अब इन चिप्सों को निकाल लेते हैं। देखिए बड़ी आसानी से चिप्स निकल जाते हैं। अभी ये हल्के से गीले हैं, एक दिन इनको और मैं धूप में सुखाऊंगी। अब मैं ये सारे चिप्स निकाल लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इनको निकाल लें। छत पे भी इन चिप्सों को निकाल कर एक हम टप में रख कर ला सकते हैं, पर छत पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी इसलिए हमने सोचा कि हम नीचे घर में जाकर ही इन चिप्सों को निकालेंगे।
देखिए फ्रेंड, चिप्स पूरी तरह सूख चुके हैं। कितने परफेक्ट आलू चिप्स बने हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। इन चिप्सों को एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आलू चिप्सों को फरवरी मार्च के महीने में बनाया जाता है। इस समय आलू सस्ते भी रहते हैं। चलिए अब इनको मैं फ्राई कर बताती हूँ। चिप्स तलने के लिए मैंने तेल को अच्छा गर्म कर लिया है। एक बार तेल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा थोड़े करके इसमें चिप्स डालना है। ज्यादा चिप्स एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए कितने अच्छे चिप्स फ्राई हुए हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। सुखाने के बाद हल्के से मुड़ जाते हैं, पर फ्राई करने के बाद जब पूरे सीधे हो जाते हैं। तेल निथार कर इनको एक प्लेट में रख लूंगी। चिप्स को फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 3-4 सेकंड में ही ये फ्राई हो जाते हैं। चिप्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, एकदम परफेक्ट चिप्स बने हैं। कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं और बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है। ना तो ये काले पड़े हैं ना ही लाल हुए हैं। इन चिप्सों को हम चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर इन चिप्सों में मैं थोड़े से मसाले मिलाऊंगी, जिससे इन चिप्सों का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन चिप्सों को मैं एक बड़ी प्लेट में डाल देती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़कूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हम अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो लाल मिर्च का पाउडर ना डालें, पर मेरे बच्चे थोड़ा चटपटा ही खाते हैं इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। नमक इन चिप्सों में ऑलरेडी डला हुआ है, पर मैं एक पिंच नमक और ऊपर से छिड़कूंगी। अब सारे मसालों को चिप्सों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इन चिप्सों को मैं एक दूसरे प्लेट में लगा लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, खस्ता और कुरकुरे चिप्स बन चुके हैं। इन चिप्सों को हम चाय के साथ भी खा सकते हैं। बारिश के मौसम में तो इन चिप्सों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अभी इन चिप्सों को स्टोर करें तो बारिश के लिए थोड़े से चिप्स अलग रख लें, क्योंकि अगर हम एक साथ पूरे चिप्स खोलेंगे तो सब में हवा लग सकती है। रमजानों में भी इन चिप्सों को फ्राई करके हम अफ्तारी में रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खस्ते चिप्स बने हैं। इसमें से एक चिप्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये टूट जा रहे हैं, देखिए कितने खस्ता है ये। तो इस तरह से आप भी परफेक्ट आलू के चिप्स जरूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।